हाय गाइस, MTR का उपमा मिक्स, उसका रिव्यू और रेसिपी। तो ये 160 ग्राम का पैक है, MRP इसकी 60 रुपीज़ है। अमेज़ॉन से मुझे 55 का मिल गया था और इस एक पैक से आप 3 लोगों के लिए उपमा बना सकते हो। तो ये देखो, उपमा मिक्स इंस्टेंट उपमा मिक्स है। इसमें सब कुछ है, मसाले, राई, कड़ी पत्ता, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं इसकी रेसिपी पे। तो पहले इस पूरे पैक के लिए हमें चाहिए 500 ml पानी, और पानी में हम ऐड करेंगे 2 चम्मच घी। और पानी को जब बॉईल आ जाएगा ना, जब पानी रोलिंग बॉईल होने लग जाए, तब इसमें जाएगा उपमा मिक्स। एक बार में पूरे मत डाल देना, गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो थोड़ा उपमा मिक्स डालो, मिक्स करो, थोड़ा डालो, ऐसे करके पूरा उपमा मिक्स इसमें डाल दिया। अब यहाँ पर हमको डालनी है बॉइल्ड वेजीज, ये ऑप्शनल है। मैंने मटर और गाजर ली है, और अब इसको बस 3 मिनट के लिए कुक करना है। बीच बीच में एक दो बार चला देना, और लास्ट में इसमें जाएंगी फ्राई की हुई मूंगफली और काजू। ये हमारा 3 मिनट में उपमा मिक्स रेडी हो गया। इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लो, और 2 मिनट ठंडा हो जाए ना, फिर इसके ऊपर एक प्लेट रख के और उसको उल्टा करके सीधा उपमा बाहर निकाल लो। आ जाते हैं टेस्ट पर। तो यार, ये सुपर डिलीशियस बना है। अच्छा, इसमें एक टिप है कि आप घी ज़रूर डालना। इसमें लिखा है ना पैक पे 2 चम्मच घी, वो डालना, और देखना इसका टेस्ट। ये रेसिपी इतनी इजी है कि जिसको कुकिंग भी नहीं आती ना, वो भी इसको बना सकता है। आप कुछ भी ना डालो इसमें, नमक भी ना डालो, तो भी आपका उपमा ये रेडी है। 160 ग्राम का पैक बोलता है 3 लोगों के लिए, पर मुझे लगता है ये उपमा 3 के लिए काफ़ी नहीं है, 2 लोगों के लिए काफ़ी है। बस वही एक पॉइंट था। उसके अलावा स्पाइसेस, नमक, इट टेस्ट यम। तो इसको ट्राई करना बनता है, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।